Hello students. Today in this section we are going to learn about our second chapter from our honeycomb textbook, book. That is the gift of chapels. Yes, you heard it right. Chapels. Chapels means sleepers, which we wear. And this is written by Basanta Sorya. This chapter is basically divided into two parts. In first part we will get to know about mridu Tapi Tata, Lali, Ravi and Meena. Now let's make this concept clear. These are the characters in this part one. mridu is basically a girl. Tapi and Tata are her grandparents. Lali, Ravi and Meena are her cousins. Now मृदु तापियन थाता यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज तापियन थाता तापियन थाता मीन्स इन तमिल दे कॉल देर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स लाइक तापी एंड थाता सो वन फाइन डे तापी मीन्स मृदुज ग्रैंड मदर टेक्स ह टू हिज आंट्स प्लेस टू मीट हिज टू मीट ह कजन्स मीन्स वो एक दिन मृदु को अपने साथ उसके आंट के घर लेके जाती है उनसे मिलने के लिए नाउ वी विल सी अहेड कि वर्ट वहाँ पे मृदु जब अपने कजन्स के साथ मिलती है तब वो वहाँ पर क्या क्या करती है नाउ इन दिस पार्ट वन वी विल गेट टू नो दैट मृदु गोज टू हिज आंट्स प्लेस राइट हाउ ऑल कजन गेट एक्साइटेड टू सी मृदु जैसे नेचुरली हम कजन्स जब एक साथ मिलते हैं भाई बहन जब अलग अलग सब एक साथ मिलते हैं सो वी गेट वेरी एक्साइटेड टू सी ईच अदर देर दे आर सीक्रेट्स विद मृदु मीन्स वो मृदु को अपने सारे जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते हैं सो लेट्स गेट टू नो वॉट आर देयर सीक्रेट्स मृदु विजिट्स हिज आंट्स प्लेस आंट्स नेम इज रुकमनी नाउ यर आंट नेम इज रुकमनी रवि गेट्स एक्साइटेड एंड ही पुल्स मृदु इनसाइड द हाउस नाव रवि इज़ अ कजन ऑफ मृदु मृदु को देखते ही वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है एंड वो मृदु को आप अंदर अपने घर के अंदर खींचता है शी टेक्स आउट और स्लिपर्स आउट मृदु अपने जो स्लीपर्स है वो बाहर निकालती है शी नोट इज अ लार्ज पेर ऑफ स्लीपर्स विथ टोस मार्क्ट मीन्स उसने जब वो अपनी स्लीपर उतार रही थी तब उसका ध्यान वहाँ पे पड़ी एक स्लीपर की बड़ी सी स्लीपर की तरफ गया जिस पर टोस के मार्क थे मतलब टोस के मार्क कब आते हैं स्लीपर पर जब वो बहुत ज़्यादा यूज हो चुकी है तब उस पर जो पैर है वो छप जाता है तो उसके वजह से वो पूरी पुरानी सी डस्ट सी वो स्लीपर लग रही थी बट वो ये चीज़ नहीं सोचती है कि वो किसकी है क्यों है किस क्यों पड़ी है यहाँ पर शी जस्ट नोटिस दैट

lay a very small kitten lapping up milk from coconut half shell means वहाँ पे एक पुराना सा football था उसमें एक छोटी सी kitten थी and she was drinking a milk from a broken coconut shell means उसने एक kitten पाली थी जो उसके backyard में थी now here Ravi uh, tells it, it is a सीक्रेट मीन्स वो ये चीज छुपाना चाहता है वो ये चीज क्यों छुपाना चाहता है मीन्स वो अपने अगर उसको पता पड़ गया मतलब उसकी मम्मी को या उसके आंट को जिसके अगर उसको पता पड़ गया कि ये एक कैट को यहाँ पर पाल रहा है तो वो उसको वापस उसके मामा के घर भेज देगी इट्स अ सीक्रेट अम्मा से पाती विलीव फॉर आप पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट अट अगर उनको पता पड़ गया मतलब तो उनकी मम्मी को पता पड़ गया ये चीज कि अगर यहाँ पर वो कैट पाल रहे हैं तो वो वापस उसको उनके मामा के घर भेज देगी इट्स अ सीक्रेट अमाज़ अमास पति विल लीव फॉर अ पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अट नाउर रवि गेट्स वेरी शॉक टू टू सी ऑल दिस थिंग ही सीज द पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दिस क्रीम मीन्स अगर हम हमको हमेशा बड़े लोग ये कहते हैं कि आ, हम हमेशा एनिमल्स की तरफ काइंड रहें हमेशा उनको खिलाएँ या उनको आ, नुकसान ना पहुँचाएं लेकिन जब उनको हम पालते हैं तो वो हमेशा हम पर चिल्लाते हैं ये किसकी कंप्लेन थी ये रवि की कंप्लेन थी तो ही वॉ सि ओ रवि मींस ये, oh, ये चीजें कौन बोलता है जब उसकी अम्मा देखती है किसी जानवर को घर पर डो यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर फ्रॉम द किचन मीन्स एक कैट के लिए जैसे अभी कैट उसने पाली है तो उसको मिल्क तो उसको पिलाना है तो वो uh, मुर्दू को बोलता है रवि बोलता है कि कितना हार्ड है एक मिल्क uh, कि एक ग्लास ऑफ मिल्क भी किचन से बाहर लाना पति सौमी द ग्लास सौमी विद ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ मीन्स अभी वो जब भी मिल्क लेके आ रहा था तभी उसको पति ने वहाँ पर देख लिया पति ने वहाँ पर देख लिया आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वेंट टू ड्रिंक इट वो उसको बोलती है कि मैं बहुत वो उसको बोलता है कि मैं बहुत हंगड़ी हूँ इसलिए मुझे मिल्क चाहिए वो उसको एक अजीब सा लुक देती है बट द वे शी लुक डेट मीन मीन्स उसको इस बात पर शक होता है कि ये टाइम पर वो हंगरी है और उसको मिल्क चाहिए ये चीज़ के लिए उस पर शक होता है देन ही वॉट ही ही आई हैड टू ड्रेंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्री हर ऑफ सेंट मीन्स उसका शक दूर करने के लिए उसको वो मिल्क उसके सामने पीना भी पड़ता है देन शी वेड द टम्बलर बैक मीन्स अभी उसको वो जो ग्लास था वो भी उसको वापस चाहिए था लेकिन अभी वो वो उसको बोलता है कि पाती पाती आई विल वॉश माई सेल्फ वाई शुड आई ट्रबल आई टोल्ड हीन्स यहाँ पे रवि कहता है कि मैं ये जो ग्लास है ये मैं खुद वॉश कर लूँगा मैं आपको क्यों परेशान करूं? ऐसे कर कर वो उसको डालता है एंड वो जल्दी से दौड़ता है एंड वो मिल्क जो है वो एक जो कोकोनट शेल था उसमें वो डालकर आई हैड टू रन एंड पो द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल वहाँ पे वो मिल्क डालकर वो टम्बलर वॉश कर कर वो उसको रिटर्न करता है एंड देन रन बैग एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैग Before she get गेट really सस्पेशियस मीन्स सस्पेशियस मीन्स उसको शक हो इससे पहले वो टम्बलर मीन वो ग्लास उसको वो धोकर वापस जगह पे रख देता है नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम वे टू फीड महेंद्रन मीन्स वो यहाँ पे कहता है कि मुझे हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए फीड करने के लिए कोई और तरीका ढूँढना ही पड़ेगा नाउ यू विल

एंड उसको अच्छा लगा ये सुनकर मृदु वॉज एम्प्रेस्ड इट वॉज रियली रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम मीन्स उसको एक ये रियल नेम सुनकर खुशी हुई हम केटी ओ, किटन्स हो या हमारे जो पैट्स हैं हम उनको कैसे क्यूट सा छोटा सा नाम देते दे हैं तो उसको वो नाम के बदले हमने उसको प्रॉपर नाम दिया है तो उसको ये जानकर अच्छा लगा एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पुलवा पुन्नई मीन्स ये उसने पूरा सा इतना बड़ा नाम उस कैट को रखा था बट वो कहता है एंड अगर आपको इसको शॉर्ट में बताना है तो वो आप उसको बता सकते हैं एम पी पुलवा एंड यू नो वट द एम्ब्लम ऑफ एंशंट पुलवा किंग वॉज डोंट यू मीन्स वो उसको बताता है अभी कि उसने उसका नाम ये क्यों रखा मतलब अब वो यहाँ पर वो कैट की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है मेरी कैट तो ऐसी है मेरी कैट तो वैसी है वो उसके पूर्वज है एंशन एनसिसटर्स है वो यहाँ के हैं वो वहाँ के हैं उसका फर सॉफ्ट है मीन्स वो कहता है कि जो उसकी कैट है उसकी जो ब्रीड है वो बहुत हाई क्वालिटी की है सो लेट्स सी व्हाट ही एग्जैक्टली टेल्स एंड यू नो what the emblem of ancient Pallava king was, don't you? Thinking, think I am joking. Well, just wait. Means वो उसको बोलता मतलब मृदु हंसती है उसकी ये बातें सुनकर तो वो कहता है तुमको मुझ पर हंसी आ रही है ना I will show you. Well, when our class went to Mahibal Mahabalipuram, I saw a statue of Thatas, 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 etc., etc., etc. मीन्स थाथास आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली था मीन्स ग्रैंड फादर नाउ थाथस मतलब वहां जब वो उनकी क्लास महाबलीपुरम में गई थी तब उसने क्या देखा था, थाथास, था उसके थाथ थ मतलब ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर्स और उसके भी ग्रैंड फादर्स का वहां पर एक स्टेच्यू था महेंद्रन यर इज अ डिसन फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट मीन्स महेंद्र वहाँ पे वहाँ जो कैट का उसने स्टैचू देखा था उसका ही वो वहाँ पर महेंद्रन डेसेंट है मीन्स उसके जैसे ही वो कैट लग रही थी तो उसने क्या कहा कि वो उसके जैसी ही है उसकी क्वालिटी वैसी है तो मतलब ये भी वहाँ पर वो कैट के जैसी वो कैट के एनस वो जो कैट है वो उसकी एनसिस्टर्स थे अ क्लोज रिलेटिव सिंथ साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ़ नन अदर देन द lion मीन्स जो उसकी दिखने की क्वालिटी थी वो लायन से कम नहीं थी मीन्स यहाँ पर वो उसकी तारीफ करता है नाउ यर यू कैन सी द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डेंसिटी मीन्स यहाँ पे जो वो स्टैचू है जो उसने वो देखी थी उस वक्त जिसको वो कहता है कि ये वो कैट के एन है मींस उसके दादास के दादास के दादास के दादास है मींस उसके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर्स हैं। दे वर्शिपड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट मींस जब पुराने इजिप्ट में वो क्या करते थे कैट्स को वर्शिप करते थे नाउ हियर रवि गेट्स वेरी थिंग्स वेरी एक्सैग्रेटेड मींस वो चीजों को वहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोलता है और खुद ही वो अपनी चीजों को सुनकर वो खुश होता है मीन्स वो खुद ही अपनी चीजों की तारीफ करता है और पीछे मृदु और मृदु और मीना वो एक दूसरे को देखकर वो रवि की हंसी उड़ाते हैं हाउ ही लव लाइक लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स मीन्स वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे किस पर रवि पर वैट हैिमांडेड मतलब मृदु वहां पर कहती है कि अगर ये पल्लवा काट एन, तो उसे हमको क्या लेना देना ह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसम द इजिप्टन कैट गॉड नो नो गॉडस मीन्स अभी वो वहां पर वो कैट को एक गॉडस की तरह कहता है। वन ऑफ कैट गॉडस वाज स्टो स्टो इन कहता है उनकी जो एक descendant वो यहाँ पर आ गई पुलवा के शिप्स से And वो डिसेंडेंट कौन है वो डिसेंडेंट है इज दिस इज रवि फ्लरिश इज ट्विक एट महेंद्रन मींस जो उसके हाथ में एक ट्विक थी वो बताता है कि वो डेसेंडेंट कौन है वो ट्विक से पॉइंट करके महेंद्रन मींस वो अपनी कैट को कहता है कि वो पल्लवा की डेसेंडेंट है महेंद्रन लुक्ड अलराम मींस उसको ऐसा लगा कि अगर अभी के हाथ में ट्विग है लकड़ी है तो वो उसकी तरफ या तो मारने आ रहा है या क्यों मतलब वो एकदम शॉक हो गई एकदम

आवाज सुनाई दी वीकन से क्रीचिंग की आवाज ऐसे लग रहा है कोई चीज बज रही है वो बहुत ही ऑपुल थी मींस बहुत ही अजीब थी व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदुप वाज टेल्ड एमपी पुन्नई वाज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स मींस वो आवाज सुनकर सब लोग बहुत शौक हो गए एंड uh, जो एमपी पुन्नई है मींस एमपी पुन्नई यहां पर कौन है द कैट कैद भी वहां पर डर गई एंड वट ही टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिल्लीज बीन सेट आउट टू ड्राई मीन्स वो डर के मारे जो रेड चिल्लीज की ट्रे पड़ी थी उसके नीचे वो चली जाकर छुप जाती है अक्रीचिंग वेंट आउट मृदु on on. की की बोलता है दट लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि यहाँ पे रवि उसको बोलता है कि ये आवाज लली के वायलिन जो वो प्ले कर रही है उसकी वहां पे वो क्या कर रही है वो वायलिन बजाना सीख रही है जबकि सीख रही है तभी वो आवाज अच्छी नहीं है क्योंकि अभी वो सीख रही है ऑल द टाइम गोइंग ऑफ ट्रैक जो वो आवाज निकाल रही थी वो बरोबर मतलब वो कोई सुर नहीं था बस वो जैसे हम कोई स्ट्रिंग्स एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो कैसे स्क्रीचिंग की आवाज आती है तो वैसी वो आवाज थी मृदु क्रिप्ट अप टू द विंडो मींस वो अभी क्या देखते हैं विंडो की और झाँक कर देखते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि लली वहाँ पे पियानो सीख रही है अपने जो उसका मास्टर है वायलिन का मास्टर जो है उसके साथ वहाँ बैठकर कर ऑकडली होल्डिंग हर वायलिन ब्रोस ट्रेनिंग में वहाँ पर वो अजीब तरीके से उसने अपना वायलिन पकड़ा हुआ है एंड वो वहाँ पर वो बजा रही है इन फ्रंट ऑफ हर मोस्ट ऑफ दिस बैग टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ अ म्यूजिक मास्टर वहाँ पर मतलब उसके सामने उसका म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ है जो बोनी फिगर बोनी फिगर मीन वो एकदम पतला सा है जिसकी हड्डियाँ दिख रही है ड मोस्टली बेल्टेड बेल्ट बेल्ट मीन है कहते हैं हेर नहीं होना तो उसका जो सर था उसका काफी हिस्सा उसके सर में बेल्ट था मतलब उसके काफी सर के हिस्से में बाल नहीं थे और जितने भी थे तो उसमें उसने छोटी सी जो uh, तेल लगाकर छोटी जो म्यूजिक मास्टर जैसे पॉइंटेड करते हैं उसने वो करके वहां पर रखी थी Now here the 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 they they get to hear a a voice 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 from 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 their gate gate voice amma, come a veil from the gate from the gate मतलब come चिल्लाने की आवाज सुनाई देना अम्मा ओ अम्मा अम्मा ओ अम्मा हमने बहुत बार देखा होगा कि हमको बाहर गेट से ही ऐसी आवाजें सुनाई देती है मतलब कोई हमको बुला रहा है so, now,

उसमें हमको चप्पल्स का कहीं मेंशन नहीं आया सिवाय एक जगह पर जहाँ पर उसने वो चप्पल नोटिस की थी सिर्फ बस सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल गेट टू नो कि वो चिल्ला वहाँ पर आवाज़ अम्मा ओ अम्मा आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी टिल देन वॉट यू हैव टू डू टिल देन यू हैव टू रिवाइज पार्ट वन मीन्स ये जो पार्ट वन है वो रिवाइज करना है रीड द चैप्टर इफ यू आर हैविंग अ टेक्स्ट बुक रीड द चैप्टर फ्रॉम दैट and keep studying be safe and thank you we will continue our chapter in next part thank you